जय हिंद दोस्तों, आप सबका स्वागत है मेरे इस ब्लॉग में कुछ पल प्रकृति के साथ। आज हम बात करेंगे सुनसुनिया साग पर। और मैं आपके साथ जो भी शेयर करूंगा उस ज्यादातर बूढ़े बुजुर्गों से चर्चा करने के बाद उनकी अनुभूतियों को ही मैं आपके सामने रखूंगा। तो आज मैं एक चर्चा कर रहा था एक बुजुर्ग से सुनसुनिया साग के ऊपर। मैंने कुछ हमारे गांव की महिलाएं आके सुनसुनिया साग तोड़ रही थी, तो उनसे मैं तो खाता हूं, तो उस पर तोड़ रही थी, तो मैं उनसे चर्चा किया कि किस तरह से पकाते हैं और इससे क्या क्या फ़ायदा मिलता है। तो जो बूढ़ी बुजुर्ग महिला थी उन्होंने ये कहा कि इससे आपका ब्रेन डेवलप होता है, मेमोरी पावर बढ़ता है, आँख का पावर बढ़ता है, आपकी आँख की रोशनी बढ़ेगी, आपके बाल नहीं झड़ेंगे, आपके बाल काले काले रहेंगे, घंचे रहेंगे और चेहरे पे ग्लो रहेगा और चेहरे पे ज़्यादा पिंपल्स नहीं निकलेंगे और मांसाहार से जो विटामिन मिलता है इससे वो मिलेंगे। ये जो तीन चार शब्द उन्होंने कहा हमें, मैं बचपन से ये साग खाता हूँ, मेरे गांव में मिलता है, खास करके मैंने अपने खेत का छोटा सा हिस्सा छोड़ ही दिया है सुनसुनिया साग के लिए, मैं उसी जगह अभी खड़ा हूँ फिलहाल। तो सुनसुनिया साग पर इसलिए मैंने चाहा कि आप लोगों से भी शेयर करूं कि आप लोग को भी अगर मिलता है तो सुनसुनिया साग खाइए, तो मांसाहार से मिलने वाले विटामिन भी आपके शरीर को मिल जाएगा, आपकी आंखों की रोशनी बढ़ेगी, आपकी मेमोरी पावर बढ़ेगी, आपके बाल नहीं झड़ेंगे। तो इसी तरह से बहुत सारी खूबियाँ हैं इस पर, तो इसे खाइए, आपके पिंपल्स नहीं होंगे, चेहरे पर ग्लो होगी। और मैं हर तरह के साग के ऊपर चर्चा करूँगा और आपको हर तरह के साग के बारे में बताऊँगा, साग का नाम क्या है, उसका बॉटनिकल नाम क्या है, उसको इंग्लिश में क्या कहते हैं, हिंदी में क्या कहते हैं, उड़िया में क्या कहते हैं, जिस सही से जानकारी आपको मिल जाए और उस पर आज फिर आप भी सही तरह का जांच पड़ताल कर सकें, कहीं मिलता है तो तोड़ लें, कहीं मिलता है तो खरीद लें, खाएं, अपने परिवार को भी खिलाएं, आप भी खाएं। और उस पर चर्चा करते हुए आज प्रकृति के साथ दोस्तों आई चलते हैं सुनसुनिया साग के ऊपर। आज मैं आपको डिटेल में बताता हूँ सुनसुनिया साग दिखता कैसा है, सुनसुनिया साग है क्या, फिर उसके बाद और आज हम बात करेंगे सुनसुनिया साग पर। इससे पहले मैं आपको दिखाया था मैं कम जगह में किस तरह से आप साग सब्जी बिना पेस्टिसाइड बिना कीटनाशक का लगा सकते हैं, और आज हम बात करेंगे प्राणी जगत के लिए मानव जगत के लिए सबसे बेहतरीन खाद्य अगर है तो साग। साग से हमें हर तरह की विटामिन पूर्ति हो जाती है हमारे शरीर में। तो आज हम बात करेंगे हमारे गांव देहात में खाने वाले साग सुनसुनिया साग के ऊपर। ये है सुनसुनिया साग। आज मैं सुनसुनिया साग पर कहूँगा, ये करीबन दो तीन तरह के होते हैं, कुछ तीन पत्ते वाले होते हैं, कुछ स्क्वायर पत्ते वाले होते हैं और ये है चार पत्ते वाला। इसमें चार पत्ते हैं, देखिए ये चार पत्ते वाला सुनसुनिया साग। सुनसुनिया साग के बारे में आज हम जानकारी लेंगे। ये है सुनसुनिया साग टोटल, ये है चार पत्ते वाला सुनसुनिया साग। देखिए ये सब जो हरा हरा देख रहे हैं ये सब सुनसुनिया साग हुआ है। और ये साग जो होता है वो कीचड़ के ऊपर होता है, अगर जहाँ थोड़ा सा कीचड़पन रहे, देखिए यहाँ मिट्टी में थोड़ा पानी का अंश ज़्यादा है, यहाँ कीचड़पन दिख रहा है, तो इस जगह में इस तरह के साग जो है सुनसुनिया साग जो कहते हैं वो सुनसुनिया डेवलप होता है। ये देखिए ये है सुनसुनिया, देखिए घास के बीच बीच में होता है सुनसुनिया साग, बहुत ही टेस्टी होता है। इसे सादा प्याज लहसुन टमाटर वमाटर दे के भून दिया जाता है। ये है सुनसुनिया साग,
सुनसुनिया साग बहुत ही टेस्टी होता है। इसे सादा प्याज लहसुन टमाटर वमाटर दे के इसे भून दिया जाता है। ये सुनसुनिया साग हमारा सुनसुनिया साग जो घासों के बीच में सुरक्षित है और घास रहने के कारण उन्हें नमी भी मिल जा रही है। और ये पौधा साग का पौधा और इसे पकाया जाता है बस इतना। ये बस यहाँ से तोड़ेंगे आप, ये देखिए इसको तोड़ेंगे बस इतना यहाँ से, इस इतना तोड़ेंगे बस इतना ही पकाया जाता है। ये साग यहाँ से तोड़ लिया जाता है और इतना ही पकाया जाता है पत्ते को प्याज लहसुन और टमाटर के साथ। देखिए ये है सुनसुनिया साग, बहुत ही टेस्टी होता है। ये मांसाहारी शाकाहारी दोनों के लिए ही है समझिए। अंडा भी डाल देते हैं कुछ लोग मांसाहारी बनाने के लिए, और कुछ लोग सिर्फ प्याज लहसुन और टमाटर दे के भी इसे भूज देते हैं। थोड़ा सा कढ़ाई में तेल डाल देंगे और प्याज लहसुन टमाटर डाल दीजिए, भूज दीजिए, नमक डाल दीजिए, बस हो गया सुनसुनिया साग तैयार। बहुत अच्छा लगता है, बहुत ही टेस्टी साग है और हमारा देसी साग खा जाए वो तो। फिलहाल तो दोस्तों आप लोगों ने देखा सुनसुनिया साग के बारे में, ये जो देखा मैं आपको नीचे दिखाई ये सुनसुनिया साग है, इसके बारे में आपको डिटेल बताया। और हो सके तो आपको भी आपके एरिया में कहीं मिलता है तो फिर खाइए, अपने शरीर का विटामिन बनाइए, अपने परिवार को विटामिन दीजिए। जो शाकाहारी वो भी खाइए, जो मांसाहारी वो भी खाइए, तो सबके लिए ये साग है, प्राकृतिक है और सबके लिए, सबके शरीर के लिए भी अच्छा है। आपका मेमोरी पावर बढ़ाएगा, आँख का पावर बढ़ाएगा, चेहरे में ग्लो रखेगा और बाल नहीं झड़ेंगे और चेहरे पे फुंसियाँ नहीं आएंगी। ये बूढ़े बुज़ुर्गों का तजुर्बा अनुभूति है जिन्होंने मुझे बताया, तो मैं सुनसुनिया साग के बारे में तो मैं वो आज आपको मैं ये बता रहा हूँ। अगर अच्छा लगा हो तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। और क्या जानना चाहते हैं कि प्रकृति के साथ प्रकृति के आधारित कुछ भी जानना चाहते हैं तो मुझे नीचे कॉमेंट दीजिए, मैं उसके लिए आपके लिए फिर वीडियो बनाऊँगा। बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। जय हिंद दोस्तों।